सीतापुर के कॉलेज ग्राउंड में आज विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा, जिसमें सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव व प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा सहित हजारों आदिवासी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि सीएम भूपेश बघेल इस दिवस पर क्षेत्र के आदिवासियों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी विरोधी पार्टी है, जिन्होंने 9 अगस्त को प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देसाई को इस पद से हटा दिया है। इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा की आदिवासियों के प्रति क्या मंशा है। आदिवासी संस्कृति लोक कला का आयोजन, आदिवासी उत्थान के लिए उत्कृष्ट करने वालों का सम्मान, आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी संस्कृति को, उनकी परंपराओं को देश और दुनिया के आदिवासी ने 9 अगस्त को इंडिजीनियस पीपुल्स डे। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी आदिवासी विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी 32% आरक्षण को राज्यपाल को दस्तखत नहीं करने दे रही है, भारतीय जनता पार्टी केवल दिखावा करती है, भारतीय जनता पार्टी हमारे आदिवासी समुदाय के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देसाई को ठीक आज से एक साल पहले, आज 9 अगस्त के दिन ही हटा करके, उनको बेइज्जती करके हटाई थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो आदिवासियों के लिए के शुभचिंतक नहीं है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।